काश अकरम साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं सर उसी स्पिरिट को, मुख्तसर तो नहीं मगर मैं जो गुफ्तगू है वो करूंगा, कोई उसी स्पिरिट को जारी रखिएगा जो शुरू हुई है यहाँ। जो आपसे हुआ अच्छा नहीं हुआ मगर जो गुफ्तगू जी गवर्नमेंट बेंचेस की तरफ से हुई है सर, उस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा। सबसे पहले तो मैं तमाम पार्टी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और MQM और जितनी भी पार्टीज़ जिन्होंने हमारे हक में बात की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं जनाब का भी शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों की तरफ से कि आपने जिस प्रेशर के अंदर ये प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू किया है, मगर इन सारी चीज़ों के बावजूद सर आज दिल बहुत भारी है, बड़ी तकलीफ है। और तकलीफ इसलिए है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा सर, जलसा हुआ, जलसे के बाद हम पे FIR कर दी गई, ये रोना धोना मैं यहां पे नहीं करूंगा। जलसे होते रहेंगे, आगे भी होंगे, FIRs भी होती रहेंगी, FIRs होती रही हैं सर, ऑपोजिशन पे FIRs होती हैं और हमेशा झूठी FIRs ही होती हैं सर। अगर हाउस इन ऑर्डर करवा लें तो मैं समझता हूं कि जरा बेहतर हो जाएगा सर। जी काइंडली, हाउस शुड बी इन ऑर्डर, ऑनरेबल मेंबर बात कर रहे हैं। जी जी शेख साहब। जी सर, मैंने कहा कि जलसे भी होते रहेंगे, FIRs भी होती रहेंगी सर। बदकिस्मती से ये इस मुल्क में रिवायत है कि ऑपोजिशन पे FIRs होनी है और वो झूठी ही होनी है, और मैं उसकी तफसील में नहीं जाता हूं। एक ऐसा जलसा जो NOC के बाद हुआ, उसमें आपने FIRs अगर देखें तो हमारे चेयरमैन के हाथ में पिस्टल पकड़ा दिया गया, चेयरमैन गौहर के हाथ में, और हमारे चीफ मिनिस्टर के हाथ में क्लेशनकोफ पकड़ा दी गई। और तो और हमारे एक सीनियर लॉयर है शुएब शाहीन साहब, वो हमारे दोस्त ने उस दिन अदालत में कहा कि बटेरा नहीं उठा सकते, उनके हाथ में 9mm का पिस्तौल उठा दिया, और आतिशी असला और पता नहीं क्या और क्या चीजें, बड़ी मजका खेज सी वो FIR है। ये उस जलसे के हवाले से है सर, जो जलसा बहुत से चैनल्स ने लाइव भी दिखाया, ये वो जलसा है जिसकी फुटेजेस लाइव स्ट्रीमिंग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे होती रही, कौन किस वक्त आया, किस वक्त गया, किसने कितने मिनट तकरीर की, वो सबको पता है। उसके ऊपर ये 4-5 मजाहिया किस्म की FIRs दे दी गई है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, इसलिए कि ये होता रहेगा, मैं इसमें नहीं जाता हूं। अदालतें मौजूद हैं सर, हमें उनसे इंसाफ की तवक्को है और वो हमें वक्तन फवक्तन इंसाफ देती भी है, इंसाफ मिलता भी है, और हम अपनी वो जंग जो है, जो एक सियासी जदोजहद है, वो भी जारी रखेंगे, और हमें इन पर्चों से, इन FIR से कोई नहीं डरा सकता कि हम अपनी उस जदोजहद से एक कदम भी पीछे हटेंगे। 5 नहीं 500 FIR भी कर लो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, ये जदोजहद जारी रहेगी जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आ जाते। सर आज जो तकलीफ है FIR की नहीं है, गिरफ्तारी की नहीं है, इस बात की भी शायद इतनी तकलीफ नहीं है कि मेरे शरीफ तरीन चेयरमैन को किस तरीके से आपकी इस पार्लियामेंट के दरवाजे पे इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, शायद इस बात भी की भी इतनी तकलीफ है कि तकलीफ नहीं है कि किस तरह मेरे भाई शेर अफजल को इस पार्लियामेंट के गेट पे बदतमीजी बेहूदगी के साथ बेगैरती का मुजाहरा करते हुए एक MNA को, इतने MNAs के सामने किस तरीके से उठाया गया, शायद मुझे उसकी भी तकलीफ ना हो। शायद मुझे मेरे इस भाई जुबैर जो हमारा MNA है वजीरिस्तान से, कितने सेंसिटिव इलाके से, जहां पे पॉलिटिकल सिस्टम में आके इलेक्शन लड़के यहां पहुंचना ये कोई आसान बात नहीं होती, उसके साथ इस्लामाबाद में क्या किया इस्लामाबाद पुलिस ने, वो वजीरिस्तान जहां नफरतों की आग जल जल के कहां तक पहुंच चुकी, उस वजीरिस्तान के MNA के साथ इस गेट पे क्या किया, शायद मुझे उसकी भी तकलीफ ना हो। मुझे इसकी भी तकलीफ नहीं कि मेरा चीफ बाहर खड़ा इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को यह कहता रहा कि तुम्हें किस MNA की जरूरत है, बताओ जितने MNA अंदर मौजूद हैं, जिसकी तुम्हें जरूरत है वो बाहर आ जाता है, लगाओ उसको और यहां से ले जाओ। मुझे इसकी भी तकलीफ नहीं कि मेरे चीफ को बार बार कहा गया कि अंदर जाओ, जब कोई बाहर आएगा हम उसको पकड़ लेंगे। अगर मुझे तकलीफ है तो मुझे इस बात की तकलीफ है सर
कि आपकी इस पार्लियामेंट को, जिसके आप कस्टोडियन हैं, जिसके आप बादशाह हैं, जहां आपका कानून चलता है, जहां आपका हुक्म चलता है, जहां हम आपकी पार्टी से हैं या नहीं हम आपको काबिल एहतराम समझते हैं, हम आपके उन कानून के तहत चलने की कोशिश करते हैं। पार्टियां पाकिस्तानी खाने जुबान पे लगे तो छूटते नहीं है, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा, कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेनू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। Welcome to the Geraline, a factory which produces the insulation piercing connectors. We offer a wide range of the insulation piercing connectors for middle voltage power cables and the low voltage power cables with bare and insulation jackets. We apply the process automation in manufacturing process of plastic injection machines, CNC lathes, and assembly lines. We have introduced plenty of engineering know-how during research and development of IPC. Routine on-site testing guarantees stable quality, which is verified by a collaboration with electricity utilities and third-party laboratories. We apply European fundamental test standards when inspecting the quality of insulation piercing connectors. नोज लॉबीज खोल दी जाती क्योंकि बैठने की जगह कोई नहीं थी उस पार्लियामेंट में, जिसके हम हिस्सा बनके बड़े फखर से इतराते हैं बाहर के हम मेंबर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है, मगर इसी पार्लियामेंट के अंदर हमें किसी ने बैठने के लिए कोई कमरा खोल के नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चाबियां नहीं है, किसी ने कहा कि बंदा नहीं है, किसी ने कहा कि सीडीए के ये मातहत है, सीडीए वाले चले गए हैं। सीडीए वालों की सर को हैसियत है? सीडीए वाले तो कोई एक टके मार डिप्टी डायरेक्टर फोन करे थे, पूरा महकमा रात नचता टपरा पे आंदा, और यहां सेक्रेटरी नेशनल असेंबली का ऑफिस या स्पीकर ऑफिस की इनकी क्या मजाल है सर सीडीए की? बहरहाल इससे भी लानत करो, वो भी तकलीफ नहीं है। रात गुजार ली सर मस्जिद में, हमारे कुछ दोस्त मौजूद थे, खैर मैं उस पर आता हूं। तकलीफ इस बात की है कि सर 11-12 बजे ताला लगा दिया गया आपकी पार्लियामेंट के गेट को, ताला, ना कोई आए ना कोई जाए। जैन कुरैशी साहब को कुछ मेडिसिन चाहिए थी, इन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि ले आओ, वो ड्राइवर गया तो फिर वापस नहीं आ सका सर, अंदर आने की इजाजत नहीं थी। हमें कुछ दोस्तों ने कहा कि आप निकल आए, इनके इरादे ठीक नहीं है, आपके इल्म में है। पता लगा कि उस तरफ रेंजर्स की गाड़ियां खड़ी हैं और उसके ऊपर ताला लगा हुआ है, पता लगा कि यहां पुलिस ने जगह जगह पे घेर लिया है, कोई बाहर नहीं जा सकता है। हमने कहा ठीक है, पार्टी ने यह फैसला किया, हमने ये फैसला किया कि हम सब यहीं रुकेंगे क्योंकि सुबह इजलास है, यहीं से हम सुबह अपने चैंबर्स में मुंह हाथ धो के इजलास में बैठ जाएंगे। पार्टी का यह फैसला था कि एमएनएस नहीं आएंगे, मगर हम 4-5 लोग जो हैं यहां बैठ के अगर इस किस्म की कोई लेजिस्लेशन होती है तो हम उसके ऊपर जरूर बात करेंगे, अपनी हैसियत नहीं उसको रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए वहां मौजूद थे। वरना हमारा चीफ विप यहां मौजूद है जिंदा जीता जागता, ये बाहर पुलिस को कह के आया कि बताओ तुम्हें किस एमएनए की जरूरत है, वो खुद गिरफ्तारी देगा। सो अगर कोई यह समझता है कि हम यहां छुपे हुए थे तो यह बात बिल्कुल गलत है। हम पार्टी डिसीजन के तहत हमने ये फैसला किया कि सुबह हम यहीं से इजलास अटेंड करेंगे, उसके बाद हम इकट्ठे जाके बाहर गिरफ्तारी दे देंगे। अचानक मैं अपने पीपल्स पार्टी के दोस्तों को, क्योंकि इन्होंने हमारी सपोर्ट की, बताऊं कि अचानक टाइम गुजर गया, 3 बजे मेरे मुहाफिज, मेरे जाती मुहाफिज अंदर आए और उन्होंने मुझे बताया कि बाहर 5-6 गाड़ियां काले शीशों में, एक डबल कैबिन और एक जीप आके रुकी है और उसमें से नकाबपोश उतरे हैं और वो प्राइवेट कपड़ों में है। हम इस भरम से बैठे थे कि इस हाउस में, इस बिल्डिंग में हमें कोई नहीं पकड़ सकता है, इस बिल्डिंग असी को चोर चकार जार या डाकू तो हां कोई नहीं सर, ठीक है असा किसी की मज तो खोली नहीं सी कि जेड़ा सानू किसी की मतलब है कि हूँ गल करा, ठीक है तो हमें कोई यहां से ले जाएगा, हमें तो पता था
कि हम तो आपकी कस्टोडियनशिप में है सर, आपकी कस्टोडियनशिप में इस हाउस के अंदर है, तो हम तो उसी भरे में वहां बैठे हुए थे। जब मुहाफिजों ने कहा कि वो आए हैं तो मैंने उन्हें कहा कि अगर वो हमें गिरफ्तार करने की कोशिश करें और ऐसी कोई सिचुएशन बने तो तुम लोगों ने बीच में नहीं आना, ये कोई झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं करनी। मैंने अपने मुहाफिजों को रोका कि तुम लोगों ने बीच में नहीं आना। हम में से एक ने फैसला किया कि क्योंकि ये प्राइवेट कपड़ों में नकाब पोश है, पता नहीं किन इरादों से है, तो आप लोग यहां से मूव हो जाए, स्केटर हो जाए। कोई फर्स्ट फ्लोर पे चला गया सर, कोई सेकंड पे, अब ये आपका ये जो फ्लोर है ये पता नहीं फोर्थ है कि थर्ड है, आई डोंट नो, ये सबसे ऊपर फोर्थ। मैं और जैन कुरैशी साहब ऐसी थे, पहुंच गए थोड़े फोर्थ फ्लोर देते, कोई दूसरे थे, कोई तीसरे थे, कमरे दरवाजे लॉक थे सर, एक हमें दरवाजा मिल गया, कोई खुला, मैं और ये शरीफ आदमी हम उस कमरे में गए और हमने अंदर से लॉक कर लिया, साथ ही बिजली चली पूरे 3 बजे, जैसे ही दे एंटर द पार्लियामेंट, जस्ट रिमेंबर, साथ ही बिजली ऑफ कर दी गई। असी आके ठीक है, घंटा गुजर गया हम वहीं पे, आधा घंटा और गुजर गया बिजली आ गई, हमने समझा कि जैसे जैसे रोशनी होगी उसके बाद दौड़ जाएंगे, आपको पता रोशनी में तो मतलब है बेशर्मी जो है वो अंधेरे में ही होती है ना जी, बगैरती वो इस तरह तो कोई नहीं होती। तो हमें यही था कि चलो कि मैं टप टपा के अद्धा घंटा हो रहे टोर लइए काम नू, साथ बंद बुंद करके तो फिर उस तो बाद सुबह थोड़ी मुंह धोवांगे ते नाल इत्थे आके बह जावांगे। मगर वो सियाणे सन को तुहाडे लोग भी रले हुए सर नाल सर, थोड़ी देर बाद छन 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 शुरू हो गई सर, मैं कह लै भाई चाबियां लभ गई जी, ठीक है जी, इधर उधर कमरे शमरे, मुझे कुरैशी साहब नू आ गई खांसी, मैं कह लाहौल वाला कुआ था वो फदर ना फदर तू फदाऊ सन वो मुझे बाहर जाके कहे, उसे कहे तू तो चुप कर। खैर एनीवे वो आए, उन्होंने कहा जनाब आप या निकले बाहर या हम ये दरवाजा तोड़ते। अच्छा आई डोंट नो वेदर दे न्यू इट वाज अस और नॉट, बट दे स्टार्टेड बैंगिंग द डोर, निकलो। चौथे तक पहुंच गए, जेडे आइंस्टाइन थे कल बह के कह रहे सर ना 10 फुट ही अंदर आए हैं। मैं उन लुकमान हकीमों को बताना चाहता हूं ये 10 फुट नहीं है, ये थोड़े विचकार जे, ठीक है। अच्छा वो सर बहरहाल जनाब मेरे हाल वेख के मुस्कुराए, मैं भी मुस्कुराया, इन्हें मैंने आखा जनाब शेख साहब अगे लगो, मैंने कहा मैं कहो भाई आंदे पे हैं प्यार नाल, आंदे पे हैं कोई नहीं, एवं सर असी फिर भी थोड़ा ख्याल किया जी, तुम साडा किया ना किया, असी थोड़ा बुआ बचाया जी, वो दरवाजा तोड़ देते तो नेशनल असेंबली का नुकसान हो जाता सर, हमने यहां भी आपका ख्याल किया। दरवाजा खोला सर, 3-4 लोग जीन छीन ये वो खड़े सन, अंग्रेजी गुफ्तगू की उन्हें, असं भी दस छे सू भी आंधी छोटी मोटी, उधर से चले जी आ गई, साथ ही मुड़े यहां से, साथ ही तो आ गए 8-10 और खड़े थे, और ऑल मास्ट नीचे आ गए। जब आपके हम सीढ़ियों से नीचे उतरे, ये आपका जो मेन एंट्रेंस है सर अंदर जहां पे ये मशीन पड़ी हुई है, वहां ऑलरेडी 4-5 मास्ट मैन मौजूद थे, कोई थोड़ा अमला शमला कोई नहीं थी सर, ठीक कुर्सियां बैठे हुए सर। उन्होंने कहा जी अभी आप बाहर ना जाएं, लाइट आ गई थी, उन्होंने कहा लाइट दोबारा बंद कराओ, लाइट दोबारा बंद की गई, उन्होंने अपने दोस्तों को अपनी टॉर्चेस भी आप ऑफ करें। एक ने कहा यार जैन कुरैशी दे वकास अकरम दी नाल टोर के मुड़ वीडियो ना बनाइए, और दूसरे ने कहा छोड़ यार जिसले अंदर फड़े आई उस वे बनानी है। बहरहाल उन्होंने रस्ते में कहा मोबाइल, मैं कह सी एडे कमले हाँ बई तुस 4 घंटे के घेरा करके बैठे तो मोबाइल मैं नाल ही बता, मैंने कहा मेरा मोबाइल मैं गायब कर देता है, नो मोबाइल। उन्होंने जनाब को कहा हाँ जी कुरैशी साहब मोबाइल, कुरैशी साहब ने कहा मेरा कोर्ट चेक कर लो, कोई मोबाइल नहीं। MNA की गलत उन्होंने यकीन नहीं आया, उन्होंने फिर कोर्ट चेक किया सर, बहरहाल शरीफ आदमी सी इन्हें पहले ही मोबाइल अपना गायब कर छड़िया। जब हम सर नीचे आए, उन्हें दोबारा लाइट बंद कराई, तो फिर उन्होंने कहा जी तुसी खड़े ना हो, तुसी इज्जत नाल बह जाओ। मैं कहा जी हुण जिथे लै जाना लै जाओ, हुण असी नकाब पोशां दे जो आ गए तो लै जाओ जिहड़े पासे लै जाना। सर उन्होंने कहा कि आपको हम प्रोटोकॉल से लेके जाएंगे। मैं कहा जैन कुरैशी लै भाई आज को प्रोटोकॉल नवा ही ना हो जाए। चलो बैठ गए हम आराम से कुर्सी पे, उन्होंने बड़ा शिकवा किया, उन्होंने कहा हमने 30 दिन इतनी एक्सरसाइज नहीं की जितनी शेख वकास तू सानू 2 घंटे करा छड़ी है, क्यों इसी तरह जैन जी ठीक है। मैं कहा जी एक्सरसाइज हम तुम्हें साड़ी करानी है, कोई गल नहीं 1.5 घंटा तुम्हारी होगी तो की हो गया। बहरहाल एनी वे सर लाइट ऑफ हुई, टॉर्चेज ऑफ हुई, दे आस्क्ड अस टू लीव सो वी लेफ्ट,
हम बाहर आ गए तो मैंने उनसे पूछा बाकी हमारे दोस्त, उन्होंने कहा जी तुसी आखिरी हो, बाकी सारे टिकाने लग गए। उन्होंने हमसे पूछा कि दस्ती किधर है, मैं कहा ले भाई दस्ती बड़ा कमाल निकलिया, दस्ती का काबू ना आया। फिर मैं कहा नहीं दस्ती का सानू पता होता तो फिर असी तुहाडे काबू आना सी, तो दस्ती शायद उनको मिल नहीं सका, बाकी हमने समझा। अचानक फिर एक लैंड क्रूजर आई, तो लैंड क्रूजर शेर अफजल मरवत साहब की थी, इसमें हमें प्रोटोकॉल से ले जा रहे थे क्योंकि जिथे उन्होंने लै गए सर उन्होंने उत्तर छड़ दिता होगा, तो फिर गड्डी उन्होंने हाथ आ गई, तो हमें फिर वो लैंड क्रूजर में बिठा के उन्होंने साथ दो बंदे आगे बिठाए, एक हमारे साथ बिठाया, हमें वो ले गए। और फिर वो ये जो आपका ये दरवाजा है कैबिनेट की तरफ सर निकलता है, जहां से जब हमने निकलने की कोशिश की तो बताया गया सिक्योरिटी की तरफ से कि वहां ताला है, वहां जंजीर है और आगे रेंजर्स की गाड़ी खड़ी की। मगर जदों सानू ले जाण वाले ने तरद्दुद किया तो फिर ना सर उत्थे को रेंजर की गड्डी सी, ना ताला सी, ना जंजीर सी, दरवाजा खुला था। हमें वहां से वो ले गए सर कैबिनेट गुजार के, जो पिछला दरवाजा है सर वहां से गाड़ी बाहर निकली तो वहां इस्लामाबाद पुलिस ने गाड़ी रोक ली। अब वहां बहस चल निकली, वो कहे जी असी तुहानू लै जाना है, वो कहने जी असी इन्हां नू लै जाना। अब ये पहली दफा है कि मुझे इस्लामाबाद पुलिस देख के खुशी हुई, मैं कहो हे कमलियो लै जाओ तुसी लै जाओ सानू, लै तो जाओ किसी पास। खैर एस एच ओ तकड़ा निकलिया, उन्हें दरवाजा खोलिया, उन्हें कुरेशी साहब नू पकड़े आओ जी, उसने गाड़ी में बिठा लिया। मैंने कहा इससे पहले कि मैं पकड़े मैं भी बह जाना, आओ जी चलिए इकट्ठे ही जाना। फिर हमें ये आम जो पुलिस मोबाइल होती है सर, इन्होंने उसमें बिठाया और हमें ये ले गए थाना, ये जो आपके सेक्रेटेरी का थाना है वहाँ पे शेर अफजल साहब मौजूद थे। ये सर सारी कहानी जो सुनाने का मकसद, अगली कहानी से मैं ना बोर करना चाहता हूँ किसी को, फिर तो हम पुलिस के हवाले थे और फिर पर्चे दिए जा रहे थे और जिन लोगों को सिर्फ हमारी वजह से पकड़ा गया वो जो इतना लेट FIR और सारा कुछ जमा तफरीक हुई क्योंकि ये हमारे साथ पकड़े गए थे, हमारी मोहब्बत में हमारे साथ देते हुए, तो इनके रोल डिफाइन हो रहे थे, वो डांग के देते पाइए, लितर के देते पाइए, किसी ने उठाइए किसी ने बिठाइए, ये जो बेचारे बाद में ये इनके इनको फिक्स किया जा रहा था। सर हम पाकिस्तान में रहते हैं, अब बात असल करने की है, लोग यहाँ आए जी मेरे तो फलाना पर्चा होगा ठीक है, और लानत करो ये पर्चियाँ दे, पर्चे होंगे ने तो होंगे रहेंगे, तो अगे भी होंगे रहेंगे, तो जल से भी होंगे रहेंगे। सर ये म्यूनसिपल कमेटी का हॉल है, ये जिला काउंसिल है, जिला काउंसिल में भी यूनियन काउंसिल चेयरमैन किसी थानेदार को अंदर नहीं घुसने देते, अपने मेंबर को गिरफ्तार नहीं होने देते। ऐसे लोग बार में, बार काउंसिलों में वकील, छोटे जिलों की बात कर रहा हूं, बड़े जिलों की बात नहीं कर रहा हूं, 5-5, 6-6 सौ वकील की जड़ी बार है, वो भी अपने बार एक पुलिस नहीं बढ़न देती, किसी इदारे को नहीं घुसने देती। हम क्या है सर, व्हाट अ जोक हैव वी बिकम, वी हैव बिकम अ जोक ऑफ द सेंचुरी। और जो ये कहता है कि हमारे साथ भी ये हुआ, आपने ये किया, मैंने कहा कि जो गवर्नमेंट वालों ने कहा मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, सब ठीक कहा होगा, मगर जो ये हुआ है ये मेरी जात के साथ नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट के साथ हुआ है। ज्यादतियां हुई होंगी, हुकूमत ने आपके साथ की होंगी जब आप अपोजिशन में होंगे, हमारे लोगों ने की होंगी, दूसरे ने की होंगी, तीसरे ने की होगी, एक को पकड़ा होगा, दूसरे को पकड़ा होगा, तीसरे को पकड़ा होगा, 10 जाली FIR की होंगी। इस पार्लियामेंट का क्या कसूर है, इस पार्लियामेंट का तमाशा क्यों बनाया है, इस पार्लियामेंट का मजाक क्यों बनाया है, इस पार्लियामेंट को जिला काउंसिल से भी नीचे कर दिया गया है। सर क्या कसूर है आपका, क्या कसूर है हमारा? सर सवाल यह नहीं है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, सवाल यह आपने असेंबली के मुलाजिम, 2-4 मुलाजिम मुझे पता लगा कि हटाए, सर उन्होंने मतलब की कर लेना चाहिए, लित्तर खाने सन अगर उससे जान देते तो लित्तर खान तो बाद भी तुम उन्होंने ही फारिग करना चाहिए, यही कुछ होना था। सर बात यह है हमें यह पता चलना चाहिए फॉर टाइम्स टू कम हु हैव डेयर्ड एंटर दिस पार्लियामेंट एंड व्हाई हैव दे डन सो, वाज दिस कॉन्फिडेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, वाज दिस कॉन्फिडेंस गिवन बाय द स्पीकर हिमसेल्फ, वाज दिस कॉन्फिडेंस गिवन बाय द सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल असेंबली, हु गेव देम दिस कॉन्फिडेंस एंड कंसेंट टू एंटर दिस पार्लियामेंट एंड डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लाइक दिस? व्हाई सर, क्यों, क्या, कौन चोर उचक्के, कौन से बदमाश यहां पे आपके सामने बैठे? जलसा लेट कर छड़े, जे 7 बजे जलसा मुकाना सी, 9 बजे जलसा मुकाया जे, की जुलम हो गया सर? सिर्फ इसलिए कि हम आपको क्या, आप कहते रहे कि जलसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हमने कर दिया आपको, उसकी इतनी बड़ी सजा, यह सजा हमें नहीं मिली सर।
ये अहमद चट्टा बैठा है 50 पर्चे इस पे, उमर अयूब यहां से उठ के गया है ये नए पर्चों के साथ 90 पर्चे बनते हैं इस पे, बिलाल एजाज यहां से गया 48 पर्चे हैं, दर्जनों मेरे पे पर्चे हैं, 52 पर्चे इस खातून के ऊपर जो हमारी पार्टी वाली लीडर है, पर्चे नहीं थे, गली कोई नहीं गए, पर्चे तो रूटीन बन गया साढ़े वास्ते, जो इस पार्लियामेंट के साथ जुल्म हो गया। आई मस्ट कॉल टू एवरीबडी, वी मस्ट स्टैंड अप टू इट, लड़ते रहेंगे और लड़ते रहे, हुकूमत और अपोजिशन ने लड़ना है, बट दिस इज, ये वो जगह है जो आपको और हमें इज्जत देती है, ये वो जगह है जो आपको और हमें रेफ्यूज देती है। और सर मुझे, मैं आपको बताऊं, मुझे अंदाजा है कि आप पे कितना प्रेशर है, बट सर ये जो अल्लाह ताला इज्जतें देता है ना सर, ये अल्लाह ताला इज्जतें देता है जब आप प्रेशर के अंदर चीजों को करते हैं, मुझे पता है आपने किस हिम्मत से ये किया है, मगर सर अगर एक और हिम्मत कर लें, अगर एक और हिम्मत कर लें तो तारीख रकम हो जाएगी कि सर एक बार ये पता कर लो, ये कौन सन जिन्हें तुहाडे घर दे विच सन लाई जी, ये कौन सन जिन्हें तुहाडे घर, सर मुझे आप ये बताए, एक आदमी के घर कोई घुसता है, कोई इज्जतदार आदमी या खुद मार जाता है या उसको मार देता है, यहां तो पूरे पाकिस्तान के 10-10 लाख के नुमाइंदे तुहाडे घर बढ़ गए अगले आके, और फिर यहां भी नहीं रुके सर, फिर यहां भी नहीं रुके, मकसद क्या था, इतना एक्सट्रीम स्टेप कि जलसे के पर्चों के लिए पार्लियामेंट में घुस गए, कई दफा लगी हुई थी। उसके बाद हमारा एक एमएलए सादुल्ला, वो नहीं काबू आ रहा था उसकी बीवी को, कल हमारी गिरफ्तारी के बाद बेटी, उसकी बेटी को, उसकी खाला को उठा के ले गए, जब तक वो पेश नहीं हुआ उनको रिलीज नहीं किया। सर ये मावा बहना चुकन की रिवायत कदों की आ गई, मावा बहना चुकन की रिवायत कदों की आ गई सर, सो हु विल इंश्योर, सो इफ यू वॉन्ट टू बी द रियल कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस सर, आई मस्ट डिमांड सर, ये रिक्वेस्ट नहीं है कि सबकी इज्जत के लिए, सिर्फ मेरी नहीं है, पर्चे पर्चे छोड़ दें आप सर, हमें जेल जाते हैं तो जाने दें, इनकी इज्जत के लिए, मेरी इज्जत के लिए, आपकी अपनी पार्टी के लोगों की इज्जत के लिए सर, ये पता चलाना जरूरी है कि वो कौन थे, और फिर सिर्फ पता नहीं चलाना, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। ये कहना कि हमें ऊपर, सर मैं जिस वक्त कोसार थाने गया, मैंने उसे कहो भाई मेरा चन्ने कौन सन, आगे से फिर तुम पता तो है, मैं कहनी मैनू नहीं पता, तू दस, और फिर तुम्हें पता तो है। उसके बाद आज मैं जिन चंद सीनियर लोगों को मिला, वो यारे कौन सन, अजी तो पता तो है, ये सारे गोंगलू बने हुए ने, वो पता तो है, तो जिनका पता है खुदा के लिए उनसे बात करें, वो भी उन्हीं स्कूलों में, उन्हीं कॉलेजेस में पढ़े हैं, उन्होंने भी वही फलसफा पढ़ा है, उन्होंने भी वही पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी है, उन्होंने वही माशरती उलूम पढ़ी है जो आपने और मैंने पढ़ी है, उन्होंने कहा पाकिस्तान तो साडा है, ये मुल्क तो साडा है, इस मुल्क का कुछ ख्याल करें सर। बस सिर्फ आपसे आखिरी बात, और आखिरी बात के साथ खत्म करता हूं कि ये जो 10 सितंबर है ना सर, इसको आप ब्लैक डे डिक्लेयर करें सर, ब्लैक डे डिक्लेयर करें, और ये इंश्योर करें कि ये आइंदा कभी किसी के साथ ना हो। मैं, आप मेरे भाई हैं सर, आपसे मेरा ताल्लुक भी है, नफरतें इस हद तक बढ़ गई हैं, और आप गवाह हैं इस बात के, मेरे बेटे ने, मुझे पता चला कि हमारे एक और नून लीग के एक बच्चे को कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को अंदर डाल दिया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, मगर आप ये देखें कि वो बात पहुंची, आप तक भी पहुंची सर, मुझ तक भी पहुंची, स्कूल में, स्कूल तक पहुंची। सो कहने का मकसद ये है कि ये नफरतें आगे से आगे जा रही हैं, कल एक दूसरे के गिरेबान यही लोग जाके पकड़ेंगे, तुसी सानू जेल जान दो, तुसी साडे ते 110 पर्चे और दे छड़ो, अपने हाउस का तकद्दस बचाओ सर, अपने घर नू बचाओ, इस इज्जत नू बचाओ, इन्हां दी इज्जत बचाओ, साडी इज्जत बचाओ, अपने ओहदे दी लाज रखो, यू आर द कस्टोडियन एंड वी आर प्राउड ऑफ यू एंड विल बी मोर प्राउडर इफ यू विल टेक दिस एक्शन, यू विल फाइंड आउट हु दोज इंट्रूडर्स वर एंड लेट्स टेक देम टू द क्लीनर्स एंड शो द वर्ल्ड के आपके पास ताकत है और इस हाउस के पास ताकत है। थैंक यू सर।